नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं और बरसात का मौसम है, तो ऐसे मौसम में अक्सर कीड़े मकोड़े और मक्खी छिपकली हमारे घरों में आकर बैठ जाते हैं, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है और इन कीड़ों से हमें खतरा भी रहता है। दरअसल दोस्तों, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये सिर्फ देखने में छोटे होते हैं, बाकी ये अंदर से बहुत ही जहरीले होते हैं, तो हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। और ये कीड़े तो बरसात और गर्मी खत्म होने के बाद हमारे घर से चले जाते हैं, लेकिन ये जो छिपकली मच्छर और मक्खी होती हैं, ये बहुत ही जिद्दी होते हैं। ये अगर एक बार हमारे घर में घुस गए तो इनका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन आज हम इन्हें इस तरह से अपने घर से बाहर निकालेंगे कि ये दोबारा हमारे घर में घुसने की कोशिश भी नहीं करेंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से भाग जाएंगे। तो हमें इन्हें अपने घर से भगाने के लिए एक लिक्विड बनाना होगा और हमें इस लिक्विड को बनाने के लिए चाहिए कपूर, लहसुन और प्याज। तो हम इन्हीं तीनों चीजों से एक ऐसा स्प्रे बनाएंगे जिसे अगर हम अपने घर में एक ही बार छिड़क देंगे तो कभी भी छिपकली मच्छर मक्खी या फिर किसी तरह के कीड़े हमारे घर में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर ये कीड़े मकोड़े हमारे घर में रहते हैं तो हमें एक डर सा लगा रहता है और हम अपने ही घर में ना तो सुकून से बैठ पाते हैं ना ही सुकून से उठ पाते हैं। तो आइए इन सभी कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए हम अपना स्प्रे बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को 5-6 टुकड़ों में अच्छे से काट लेना है और लहसुन की इन कलियों को अच्छे से छील लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्याज और लहसुन को अच्छे से छील कर काट लिया है और अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसे सिलबट्टे पर भी कूट सकते हो या फिर इसे कद्दूकस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। और अब हम एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी पर एक कपड़ा भी डाल देंगे। फिर हम इस लहसुन और प्याज के पेस्ट को इस कपड़े में डाल लेंगे और हमें इस पेस्ट को कपड़े में डालने के कुछ इस तरह से इसका सारा रस इस कटोरी में निचोड़ देना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसका रस एकदम अच्छे से निचोड़ लिया है। और अब हम इस रस में थोड़ा सा कपूर का पाउडर भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कपूर को पीस कर उसका पाउडर अपने घर पर ही बनाया है, लेकिन आपको मार्केट से भी इसका पाउडर आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम इस कपूर के पाउडर को इस रस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो हमारा स्प्रे एकदम रेडी है। और आप लोग देख सकते हो मैंने इसे एक स्प्रे बोतल में अच्छे से भर लिया है और हमें इसे कुछ इस तरह से अपने घर में स्प्रे करना है। और अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कोई भी बोतल ले लेनी है और इस बोतल के ढक्कन में सुई से छोटे छोटे छेद कर लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इस ढक्कन में अच्छे से छेद कर लिया है। और अब हम इस प्याज लहसुन का रस इस बोतल में भर देंगे और फिर हम इस बोतल के ढक्कन को इस बोतल पर अच्छे से बंद कर देंगे। और ढक्कन बंद करने के बाद हमें इसे अपने घर में कुछ इस तरह से छिड़कना है। और आप लोग इस स्प्रे को छिड़कने के 15 मिनट बाद देखना, जहाँ पर आपने इसे छिड़का होगा वहाँ पर एक भी मच्छर, छिपकली या फिर मक्खी आपको दिखाई नहीं देंगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही गजब का घरेलू नुस्खा है अपने घर से मक्खी, मच्छर, छिपकली और कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए।